नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं प्रतीक्षा वर्मा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 10वें दिन भी जारी है। किसानों की आज सरकार के साथ 5वें दौर की बैठक है। 3 दिसंबर को आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि मंडल की हुई बैठक बेनतीजा रही थी। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वे राष्ट्रीय राजधानी की तरफ जाने वाली और सड़कों को बंद कर देंगे। किसान संगठनों का कहना है कि वे तीनों कानूनों को रद्द करने पर ही आंदोलन को समाप्त करेंगे। उन्होंने देश के विभिन्न ट्रेड यूनियनों के समर्थन का दावा किया। सरकार और किसान नेताओं की 5वें दौर की बैठक में आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने उन प्रावधानों के संभावित समाधान पर काम किया है जिन पर कृषि नेताओं ने आपत्तियां जताई। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। प्रदर्शन के दौरान अब तक कुल 7 किसानों की मौत अलग अलग कारणों से हुई है। आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसके लिए सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे कुछ किसानों का कहना है कि अगर आज बैठक में सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो इसके बाद बातचीत नहीं होगी। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, तो आज किसानों की 5वें दौर की बैठक है और इस बैठक में क्या नतीजा निकलेगा, ये पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।